रुपए में जारी गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कल की तरह आज भी यह आलम कुछ यूं ही रहा। गुरुवार को एक बार फिर डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड गिरावट के साथ खुला। इस कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन रुपए ने डॉलर के मुकाबले 73.62 के स्तर पर शुरुआत की। इससे पहले बुधवार को रुपया एक डॉलर के मुकाबले 73.34 के स्तर पर बंद हुआ था। सोमवार के मुकाबले इसमें 43 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी। बता दें कि सोमवार को यह 72.91 के स्तर पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आ रही बढ़ोतरी के चलते रुपया दबाव में है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमत $84 प्रति बैरल से बढ़कर $86 प्रति बैरल हो गई है। इसके अलावा इमर्जिंग इकोनॉमीज के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों के चलते भी रुपया लगातार दबाव में है। रुपए में आ रही ऐसी ऐतिहासिक गिरावट के कारण भारतीय शेयर बाजार में भी दबाव दिखा और उसमें 800 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली। दूसरी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। डॉलर में आ रही इस मजबूती से निवेशक रुपए में निवेश से दूरी बना रहे हैं। बुधवार को रुपए ने पहली बार 73 का आंकड़ा पार किया। एक डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे की गिरावट के साथ खुला। इस गिरावट के साथ शुरुआत करने के बाद रुपया 73.24 के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 72.91 के स्तर पर बंद हुआ था। रुपए में हो रही इस तरह की गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।